सो गाइस, अगर आप एमएक्स टकाटक इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है दोस्तों। वहाँ पे आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाते समय वहाँ पे आपको वीडियो बनाने के बाद वहाँ पे आपके व्यू बहुत ही कम आते हैं, मतलब देखने वाले बहुत ही कम आते हैं, और पहले ज़्यादा आते थे और अब क्यों कमाने लगे हैं। और अपनी वीडियो को जो है लाइक कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब अपनी वीडियोस पे लाइक कैसे बढ़ा सकते हैं, और आपकी व्यू जो है और लाइक कैसे ऑटोमेटिक इंक्रीज कर सकते हो, जो मैं इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा, बहुत ही 100 में 100% वर्किंग टिप्स है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आप जो है अपनी एमएक्स टकाटक वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हो। काफ़ी सारे जो नए यूजर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से वीडियो बनाने की पूरी सेटिंग्स नहीं पता होती है, जिससे उनकी अच्छी तरीके से वीडियो वायरल हो सके। जो पॉपुलर क्रिएटर होते हैं उनकी वीडियो, हर वीडियो वायरल होती है। क्यों हर वीडियो वायरल होती है? क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही, जब उन्होंने शुरुआत में ही उन्होंने अच्छा खासा अपना कंटेंट बनाया है, अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड किया है। कहाँ पे हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए, कहाँ पे हमें वीडियो नहीं अपलोड करना चाहिए, अगर आपको इन बातों की नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाती है तो आपकी वीडियो, हर वीडियो वायरल होगी एमएक्स टकाटक पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। मैं इस वीडियो में जो भी टिप्स बताऊंगा बहुत ही 100 में 100% वर्किंग टिप्स है। बट गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रहेगी, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप क्या गलतियाँ करते हो एमएक्स टकाटक। मैं अपने एमएक्स टकाटक ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही अब अपने एमएक्स टकाटक ऐप को ओपन करूंगा तो यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाता हूँ आपको वीडियो कहाँ पे बनानी है। तो आप अपनी वीडियो जब यहाँ पे बनाते हैं तो आपकी वीडियो पे लाइक और फॉलो बहुत ही कम आते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम जो यहाँ पे एक्टिव रहता है, तो मेरे देख सकते हो यहाँ पे फॉलोवर्स भी बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे मेरी वीडियोस पे लाइक भी आते रहते हैं। तो आपको किस तरीके से वीडियो बनानी है, तो मेरी यहाँ पे वीडियो में दिखा देता हूँ। मेरी कुछ ही वीडियो, मेरी यहाँ पे 4 वीडियो सिर्फ पड़ी हुई हैं। 4 वीडियो में मैंने 38 फॉलोवर्स को गेन किया है और यहाँ मेरी हर वीडियो पे अच्छे खासे व्यू और लाइक सब आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, 53, 33 ऐसे मेरे वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आते हैं, क्योंकि ये मैंने जल्द ही वीडियो डाली है और ये वीडियो हर रोजाना हर वीडियो पर एक लाइक शेयर हर कुछ सब कुछ मिलता है मुझे। तो आपको किस तरीके से अपने यहाँ पे जो है लाइक और कमेंट और अपने शेयर को बढ़ाना है और अपनी व्यूज को बढ़ाना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना, आप जब एमएक्स टकाटक पे भी जब आप एमएक्स टकाटक पर वीडियो बनाते हो तो आपको क्या काम करना, कहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड करना है जहाँ से आपके अच्छे खासे व्यू लाइक और कमेंट आ सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्च का आइकन दिख रहा होगा, आप सर्च वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी वीडियो बनानी है, यहाँ पे आपको बैनर पे वीडियो बनानी है, क्योंकि एमएक्स टकाटक जो भी मतलब अच्छे क्रिएटर होते हैं, अच्छों क्रिएटरों के लिए यहाँ पे हर दिन एमएक्स टकाटक एक ना एक जो है बैनर देता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। और यहाँ पे ऐ नहीं है कि आपने यहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड कर दी, आपकी वीडियो पे लाइक नहीं आएंगे, आपकी वीडियो पे कमेंट नहीं आएंगे। यहाँ पे 100% आपकी वीडियो पे लाइक भी आएंगे, कमेंट भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं वो सब अपने जो अच्छे खासे क्रिएटर लोग बनते हैं, जो अपने एमएक्स टकाटक पर अपनी कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं बैनर्स में। आपको यहाँ पे म्यूजिक कोई दूसरा यूज कर लीजिए, आप वहाँ पे वीडियो में एडिटिंग कोई और यूज कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको हैशटैग लगाना है वो आपको यहाँ पे बैनर्स में लगाना है, जो भी यहाँ पे बैनर्स चल रहे थे, क्योंकि एमएक्स टकाटक जो है बैनर्स इसीलिए देता है कि अपने जो जो हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे क्रिएटर हैं वो यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाएं और कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर सकें। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोस में लाइक ला सकते हो और अच्छी खासी अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर और भी किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।